हाँ तो भाई बहनों, मौसियों बातों की तबीयत ठीक नहीं है। रात से इसको फीवर भी आया और इसके गले में भी खराश हो रही है। तो आज फर्स्ट खराश खराश तो चली भी गई। कैसे गई बताओ सखियों को? काढ़ा तो पार्थू पी रहा है, कड़वा कड़वा काढ़ा है ये देखो। एंड इतना खुश हो रहा है, कह रहा मम्मी इससे मेरे गले में आराम मिल रही है। तो अब ये गले में आराम मिल रही है ना, बाद में कान में भी मिल जाएगा। यहाँ पर भी मुझे कोई कान अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। 2-3 दिन से तो तुमने कुछ नहीं बोला, कान ठीक है बोल लेते। अब फिर से हो गई? अरे अरे क्या है भाई, दिखा, निकल जा पानी, निकल जा निकल जा निकल जा, ऐसे ही खराब। तो एक दिल्ली वाली वीडियो एडिट करी है मैंने, और दिन में दूसरी मुंबई वाली वीडियो भी एडिट करके डालूंगी सखियों। एंड बैटरी खत्म हो चुकी है। चलो भाई ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। फॉलो मी सखियों, फॉलो मी, बहुत काम है, बहुत काम है, अभी शुरुआत हुई है। अनूप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हो हैं बाबू? ये तो डबल टेप है। तो चलो भाई यहाँ पे विराज सोते हैं। तो अभी देखो ये मेरी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। विराज सोते हैं ना, और अब विराज तो खैर सुबह सुबह ही चले जाते हैं, 7 बजे तक चले जाते हैं। यहाँ मेरे कल के कपड़े सूख चुके हैं, इनको उठाया जाएगा सबसे पहले। पलंग पे चढ़ के निकालो ना। तो सोच रही हूँ आज इन कर्टन्स को धो दूँ, बहुत ज़्यादा दिन से वेट कर रही हूँ अनूप का, क्योंकि मेरी तो उतने ऊपर हाइट पहुँचती नहीं है। एक काम करना बुढ़ो, दो दो करके देना, दो दो नहीं तीन तीन करके देना। पहले इन तीनों को धो देती हूँ, उसके बाद फिर उन दोनों को एकदम से खाली कर देंगे तो सही नहीं है ना। बाबू आराम से निकालना, क्योंकि उस साइड कोई पकड़ने वाला नहीं है। बस धीरे धीरे से, धीरे से ऐसे ही निकालो बस। और ये अब थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे सखियों, बाकी इनको प्रेस व्रेस करके ही चढ़ाने पड़ेगा। निकाल दो यार, धो ही देती हूँ एक बार, छोड़ कर दो इधर। हाँ कौन बार बार, तो बार दो बार 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 कौन करेगा। ये लो जी, ये लो। तो आज इन कर्टन्स की बारी है। ये तो धुल चुका है कई बार, इन दोनों को भी नहीं धोया। तो पहले आज इधर के कर्टन्स धो देती हूँ, फिर वहाँ के धोऊंगी। ये वाला जो पोर्शन है ना एसी के लिए है। मतलब इतना घटिया पोहा तो सखियों मैंने आज तक नहीं देखा। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको धो के भिगाया तो पोहे का हाल देखो क्या हो गया, मतलब इतना घटिया। अनूप के लिए ज़्यादा भिगा दिया होगा, मैंने कहा ऐसा भी कितना भिगाया, मतलब मैं तो पोहा कब से बना रही हूँ, मुझे पता है कि कितना भिगाना होता है। और ये देखो आटे के जैसा हो गया पूरा, ऐसे लुगदी सी बन गई। तो ये कौन सी कंपनी है मैं आपको दिखा देती हूँ, सत्यम। तो ये देखो सत्यम क्वालिटी, सत्यम ब्रांड का था ये डीमार्ट में, इतना घटिया जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब इतना पतला पतला था, ये देखते ही मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि यार ये ख़राब ना बने, और ये इतना ख़राब निकलेगा ये तो मैंने सोचा नहीं था। अब एक मन तो आ रहा है कि इसमें नमक प्याज हरा धनिया ये सब डाल के ऐसे चपाती जैसे करके करूँ, पर मेरे को डाउट है कहीं चिपक गया ख़राब हो गया तो वेस्ट हो जाएगी मेरी मेहनत। मैं अभी उसको नहीं छेड़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ अभी पास्ता बनाने। पास्ता मेरा बन गया है सखियों, और इस बार है ना मैं थोड़ी सी अपनी चाय पत्ती चेंज करके लाई हूँ। जब मैंने सभी सखियों से पूछा था कि कौन सी चाय पत्ती यूज़ करूँ तो
ज्यादातर बाघ बकरी आया था और उसी में सोसाइटी भी आया था। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं सोसाइटी भी, तब से तो मैं बाघ बकरी ही पी रही हूँ, बहुत रिश्ते बना लिए। अब जरा मैं सोसाइटी में रह रही हूँ तो सोसाइटी की तो बनती है सखियों। तो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो फर्स्ट टाइम, मतलब जिस दिन स्कूल जाना था उसी दिन उसको फीवर, रात से उसका गला वो हो रहा था, फीवर हो गया उसको, तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगी, नहीं भेजा मैंने। और हम ही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे स्कूल जाने के लिए, ये क्या हो गया। हाँ तो हम ही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे स्कूल जाने के लिए, और आज पार्थू ही नहीं जा पा रहा है तबीयत खराब होने की वजह से, होता है जो होता है, जो हम सोचते हैं वो थोड़ी होता है, जो हम नहीं सोचते असल में वही होता है। तो सब प्री प्लान है सखियो, टेंशन नहीं लेने का, जैसे समय चला रहा है बस चलते जाओ, क्योंकि आने वाला पल ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, वो एक एडवेंचर है, वो एक रहस्य है जो भगवान ने हमारे लिए प्लान किया है। तो फिर कहीं का डरना, कहीं का टेंशन करना, ठीक है चलो आपसे नाश्ता खिलाती हूँ उनको। तो मेरा है पास्ता सूप वाला, टेस्टी टेस्टी। गलत है ये गलत है, गलत है ये, दिख रहा है ना कहाँ से गलत है, देखो ऐसे करो फिर ऐसे करो, सुंदर बनाओ। ओ नहा धो के आ गई हूँ बहनों मैं, और अब मैं बनाने जा रही हूँ छोले, छोले चावल एंड रोटी बनाऊंगी फटाफट से। पार्थू गया है नीचे पढ़ाई कर लिया था, आज स्कूल तो नहीं गया वो, आज स्कूल था उसका, लेकिन ऑन आज मैंने उसके ऑफलाइन क्लास भी नहीं दी थी, उसको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था ना, तो फिर मैंने घर पे उसको होमवर्क वगैरह करवाया थोड़ा बहुत, और खेलने भेजा उसको धूप में नीचे, थोड़ा अच्छा लगेगा उसको। और बस फटाफट से अनु गए थे उसको स्कूल, सारा कुछ पता करके आए हैं, तो हफ्ते में दो दिन ही हम उसको भेजेंगे, क्योंकि खुद ले जाना और लाना है, और वैन वाला कोई अवेलेबल नहीं है। सच में सर झटपट बनाऊंगी ना, मेरे पानी सोते हैं लेकिन मैं खुद नहीं छोड़ूंगी, तो महाराज बैठे हैं उससे भी कुछ काम कराना चाहिए। ए ब्रो प्लीज बाबू लसन छोड़िए, जल्दी से जल्दी तुम खुले जा रहे हैं। तो अपने अपने पतियों को काम बढ़ाने का सखी हूँ, ज़्यादा उनको आराम नहीं देने का, ज़्यादा ही सिर पर चढ़ते हैं। और यहाँ हम अपने सरसों का तेल लेंगे बहनों, देखो कैसे एक हाथ में व्लॉगिंग एक हाथ से ये करूँगी, ऐसे छोड़ूंगी नहीं अपनी सखियों को। ये लो सखियों सरसों का तेल डाल देने का, ये एक करछी ये है, चाहे शर्ट लगा लो मुझसे, कौन लगा रहा है मुझसे शर्ट, देखो एक ही करछी है, इवन उससे कम ही होगी। तेल गर्म हो रहा है, प्याज कट कर लिए, बस झटपट बनाने मेरे को, ऐसा कोई स्टाइल नहीं दिखाना छोले में, मेरे को छोले बिल्कुल पसंद नहीं है, आप सबको बताया था मैंने, जैसे मेरी बहुत सारी सख्या जानती है, बट मेरे को पसंद नहीं है इसके, मतलब थोड़े ही घर में नहीं बनेगा, बनाना तो पड़ेगा ना, बाकी लोगों को तो पसंद है सखियों, तो रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, बीच में ही मैं ब्लॉक यहाँ से कट कर दूंगी, ज़्यादा क्या दिखाना। तो ये गया हींग, ये गया जीरा, आप इन दोनों को बंद करके तुरंत उसकी जगह पर रख दो, ऐसे नहीं कि फैलने दो, फेंक के नहीं रखना है किसी भी सामान को, बस ये लो प्याज भी डाल दो। और तो ये मेरे टमाटोज भी हो गए, ये आ गए हमारे लहसुन, लहसुन और अदरक को मैं कूट के डालूंगी, मुझे कूट के ज़्यादा पसंद है, प्याज बिल्कुल नहीं किया आपसे भूलते रहेंगे भैया। आप सोचोगे कि मैं प्याज के संग इसमें भी तो करके डाल सकती थी, लेकिन नहीं, वो है ना मोटा मोटा रहता है तो वो स्वाद नहीं आता, चाहे वो कितना भी बारीक हो जाए, जब तक कि आप लहसुन और अदरक को खींच के उसका रस निकाल के नहीं डालते ना सखियों, उसका फ्लेवर एक अलग ही आता है, और बच्चों के मुंह में भी आ जाएगा ना तो भी बच्चों को पता नहीं चलता, वो इतना अच्छी तरह से पिस जाता है, तो मुझे ऐसे ही पसंद है। अभी इसमें थोड़ा पानी डाल के भी डालूंगी, बिकॉज वी आर इंडियन, हम चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं भाई। तो आज ना ये हेलीकॉप्टर लेके नीचे गया था, सारे बच्चे, तो बच्चे उनकी मम्मी अभी इतना खुश हो रही थी सखियों कि मैं आपको क्या बताऊं, एंड आज यहाँ पे कर्टन नहीं है ना, तो देखो कैसी तेज धूप लग रही है। सखियों
सबने खाना वाला खा लिया, बर्तन मच गए, धूप देख सकते हो आप कितनी अच्छी आ रही है। पीछे पर्दे मेरे अभी सूखे नहीं है, एंड कल इवनिंग तक ही वो पर्दे लग पाएंगे, क्योंकि आज मैं इनको प्रेस में भी दे दूंगी और प्रेस वाले भैया एटलीस्ट 2 दिन तो लगाते हैं कपड़े देने में। तो यहाँ का जुगाड़ देखना पड़ेगा कि यहाँ पर पुराने पर्दे हैं मेरे पास, वो लगाऊंगी और शाम होने से पहले पहले लगाना पड़ेगा। तो अब बज रहे हैं 3:18 और अगेन अब मैं जा रही हूँ एक वीडियो एडिट करने, तो फटाफट से एडिट करती हूँ और चाय पे मिलूंगी अपनी सखियों से। तो चलो सखियों, फटाफट से मैं एडिटिंग करती हूँ, शाम को चाय पे आप सबसे बातें करूँगी, 5 मिनट बात करूँगी। लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गोल के और गोल ही बनाई ज़्यादा, और एक ये वाला देखो ये इससे ज़्यादा खत्म कर चुके हैं, ये बेसन एंड आटा। जल्दी तो यहाँ हो रही है पार्थो की पढ़ाई, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये सारा चीज़ उसने खुद लिखा है, बस ईयर्स की स्पेलिंग मैंने उसको बताई थी, वो उसको याद नहीं थी, बाकी वो अभी कर रहा है। आई स्टडी 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 की स्पेलिंग बताओ। इस वाले मी ई मी ई लिखोगे, ई ई क्या होता है, तो फिर ली ली मी ली 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 एल हाँ ली ई ई हाँ टो मिली टो 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 औरी ओ ए हाँ टो औरी री री आर। वो तो क्या है बहन जी, धीरे धीरे होता है ना, वो एक दो बार धोएगा ना, ये दिया बताया वही हाँ बेल्ट सही होगा ना, बेल्ट तो जो पुराना था वही हो जाएगा ना, बेल्ट और टाई शूज दिखाना है। अभी तो 1-2 दिन ही जाना है हफ्ते में, तो वो पैर वो पैर ये बहुत बड़ा लग रहा है भैया। नहीं बड़ा नहीं, वैसे लगता है पैटर्न ही, वैसे बाकी परफेक्ट है। क्या बात कर रहे हो भैया, सॉक्स किस्म तो चलो ठीक आ जाएगा, काफी नीचे खड़े हैं। कैसा है बात, ढीला तो नहीं है? ढीला दिखा, बहुत ढीला है, क्या कर रहे हो पार्ट, ये तो निकल जाएगा इससे। हम आए थे पार्थो की ड्रेस खरीदने सके जल्दी जल्दी में, एंड पार्थो की वाटर बॉटल भी लेनी है जो बिल्कुल घर में टूट चुकी है, कल से पानी ही अलाउड है तो खाना अलाउड नहीं है, 1 घंटे के लिए जा रहा था। तो इतनी जल्दीबाजी में मार्केट गई ना सखियों कि मैं बताना भी भूल गई, और कैमरा भी नहीं लेके गई, क्योंकि सिर्फ शॉप को बंद होने में आधा घंटा रह गया था, इवन विराज के राइस आधा पका के गई हूँ, खाना तो बने ही नहीं अभी तक, ना पूजा करी हूँ ऐसे जल बच के, अभी हो रहे 8:30, तो बस माफी हो। आपको पता है जिस दिन चंदा मामा आते हैं ना उस दिन लकीड़े होते हैं। तो आज पार्थो की ना हम ड्रेस ले आए हैं, एंड कल से पार्थो स्कूल जाएगा। ओहो वो पार्थो की लिए स्ट्रॉबेरी भी लाए हैं, फूड तो अलाउड नहीं है स्कूल में ले जाना, एंड एक वाटर बॉटल न्यू लेके आई हूँ इसके लिए, क्योंकि
जल्दबाजी में जो मिला ना वो ले लिया बस। पॉलिश आप इसको मुंह से कटर कटर नहीं करना, ये काला हो जाता है फिर। ठीक है, सिर्फ पानी पियो और बंद करके रख दो। तो पानी की एक बॉटल लेके आई हूँ सखियों, ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि स्कूल में टिफिन अलाउड नहीं है, सिर्फ बच्चों को खिला के भेजना है। 1.5 से 2 घंटे की क्लास लगी थी। चलिए अब मैं फटाफट से जा रही हूँ, पूजा करती हूँ पहले और पहले खाना बनाती हूँ, एंड देन मैं ब्लॉग का एंड भी कर दूँगी। क्या कहते हो? ठीक है। कौन सी बात? कौन सी बात? कौन सी बात?